अब ये कड़ा ज्वाइन हो गया है, ठीक है। अब ये कड़ा कवर के अंदर जाएगा, वो अभी आपको दिखाते हैं। कवर सिल चुका है, ये देखिए ये कवर सिल चुका है, और अब ये हम कड़ा इसमें कड़े के इसमें डालेंगे। ये कड़ा में चला गया, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से शेव देंगे, ये देखिए ये आप इसको हमने ये कर दिया, ये इतनी चौड़ाई इसलिए रखते हैं कि हम इस पर जब कैप बनता है तो मोर बैंड चलाते हैं, ताकि मोर बैंड सही फिट हो जाए। ये देखिए अब जब हमने ये पट्टी लगा दिया, अब यहाँ से हम सिलाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ताकि ये जब हम शेप बनाएं और इसको पूरा फिट करें तो ये आगे पीछे हो ही नहीं। आपको मैंने कड़ा चढ़ा के इसका शेप बना के दिखाया था, अब यहाँ पे सिलाई लगेगा। ये अब यहाँ सिलाई लगेगा, ये इस तरह से सिलाई हो गया। उसके बाद का प्रोसेस आपको दिखाएंगे दोबारा, ठीक है। ये देखें यहाँ से, और ये सिलाई पूरी यहाँ तक चली है, यहाँ तक, ताकि इसको जब हम शेप बनाएं तो ये आगे पीछे ना हो, शेप एक जैसा हो। ये चैन स्टार लग गया, ये मोर बैंड लग गया, और ये पिक तैयार हो गया, ठीक है।